अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। सो आज की वीडियो है, कैट्स को हमें न्यूटर क्यों करवाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये पीछे स्कूबी बैठा हुआ है और ये हमारा न्यूटर्ड कैट है, और ये जो आगे बैठा हुआ है ये स्कूबी का लास्ट बेबी है, मतलब कि इसके बाद फिर स्कूबी के और बच्चे नहीं हुए थे। तो ये हमारा कैट है स्कूबी, और हमने इसको न्यूट्रेट क्यों करवाया। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिनके पास मेल अडल्ट कैट्स हैं तो वो जब बड़ी हो जाती हैं कैट्स, तो कैट्स जो है ना जगह जगह पे स्प्रे करते हैं यूरिन का। ये हमारा जो कैट था ये भी हर जगह स्प्रे करता होता था। तो जब आपकी कैट स्प्रे करने लग जाएं, हर जगह पे करें, लाइक आपके जहाँ पे भी खड़े हैं, सोफे पे भी कर देंगे, वॉल्स पर भी कर देंगे, जगह जगह करेंगे, तो उस टाइम पे कैट्स को न्यूटर करवाना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कैट्स ये इसलिए स्प्रे कर रही होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा हीट पे होती हैं, और स्प्रे करके इनकी ये मेंटेलिटी होती है कि हम ना जो फीमेल कैट्स को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से कैट्स आपको बहुत तंग करती हैं, और इसका कोई भी और इलाज इसका नहीं है। अगर आपको कोई डॉक्टर्स कह देते हैं, ऐसे डॉक्टर्स, कि आप इसको कोई इंजेक्शन लगवा दें इनकी हीट कम करने के लिए, और ये स्प्रे नहीं करेंगे, तो काइंडली आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना। न्यूटर्ड सर्जरी जो है ये बहुत ही सेफ होती है। सिर्फ आपने ये ख्याल रखना होता है कि आप किसी ऑथेंटिक वेट के पास जाएं सर्जरी करवाने के लिए। तो हमारा ये कैट जो था ये बहुत ज़्यादा स्प्रे करता था, और ये अभी 2 ईयर्स का नहीं हुआ है, तो ये 1.5 साल का था जब हमने इसको करवाया था। तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताती हूँ कि हम इसको कैसे लेके गए वेट के पास, इसका क्या प्रोसेस हुआ था। और एक तो कैट जो है ना बहुत ज़्यादा स्प्रे कर रहा होता है फीमेल कैट, सेकेंडली वो जो है ना दूसरी कैट्स के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई भी करता है, एग्रेसिव हो जाता है। जब आपका मेल कैट बहुत हीट पे होता है और वो स्प्रे करता है, तो आपके पास अगर और कैट्स हैं तो उनसे लड़ाई करता है, हर वक्त गुस्से में रहता है, एग्रेसिव हो जाता है। और आपका कैट अगर घर से बाहर भी भाग रहा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही रीज़न होता है कि वो फीमेल कैट्स के लिए घर से बाहर भागता है। तो अगर आप उसको इसी तरह से अगर आप न्यूट्रेट करवा देंगे तो आपका कैट्स बाहर भी नहीं घर से भागेंगे। तो ये रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हमें इनको करवाना चाहिए। न्यूट्रेट सर्जरी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि न्यूट्रेट सर्जरी करवाने से आपकी कैट्स जो है ना ये स्प्रे करना रुक जाती है। और अगर आपका कैट जो है वो छोटी एज का है, लाइक 2 ईयर्स से कम है, तो वो तो सर्जरी के बाद विद इन 1 वीक में उसकी आदत ये ख़त्म हो जाती है। अगर आपके कैट की एज ज़्यादा है, लाइक 4-5 ईयर्स है, तो फिर उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन उनकी आदत जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो स्प्रे करना छोड़ देते हैं, वो बाकी मेल कैट्स के साथ लड़ाई नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं अपने ऑनर्स के साथ। बहुत कैट्स फ्रेंडली हो जाती हैं। ये स्कूबी हमारे साथ पहले से भी ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका है, किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, बहुत हेल्दी होता जा रहा है। सेकेंडली, न्यूट्रेट करवाने से कैट जो है ना इनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, और ये वायरल जो डिजीज़ होती है ना वो उससे ये ना थोड़ा सा इनका रिस्क जो है रिड्यूस हो जाता है। ये बहुत जल्दी इन्फेक्टेड नहीं होते, बहुत हेल्दी इनकी लाइफ हो जाती है, बहुत फ्रेंडली हो जाती है, अपने ऑनर से बहुत प्यार करती है और मज़ीद अटैच हो जाती है। और आपको किसी किस्म का कोई से जो है ना कैट्स के रिलेटेड कोई इशू नहीं रहता। अगर आपने देखा होगा कुछ लोगों के घरों में कैट्स जो है वो बहुत शोर मचा रहे होते हैं, मेल कैट्स जो होते हैं लोग बहुत तंग आते हैं, वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे होते हैं, वो हीट की वजह से ये सब करते हैं। आता है इसमें, अगर आपने कैट को न्यूट्रेट करवाना है तो रिस्क की बात करें तो आपने जब भी कैट को न्यूट्रेट करवाना है ना, तो आपने एक ऑथेंटिक वेट के पास जाना है, किसी आम डॉक्टर के पास नहीं चले जाना, किसी आम सर्जन के पास नहीं चले जाना जो आपके कैट को आपके कैट का केस ख़राब कर दे। सो आपने एक अच्छा जो है ना वेट आपने फाइंड आउट करना है, और आपने उसके पास जाकर तो आपने अपने कैट को सर्जरी करवानी है। तो चलें, अब हम लोग ले आए हैं स्कूबी को वेट पे, और अब हम स्कूबी का सारा प्रोसेस स्टार्ट करवाने लगे हैं न्यूट्रेट सर्जरी का। बेचारा इतना डर रहा है। स्कूबी फर्स्ट टाइम आया है। स्कूबी ये घर से भी फर्स्ट टाइम निकला है। जिंदगी में पहली दफा निकला। बहुत क्या बहुत डरता है, गेट से बाहर भी नहीं जाता है। नहीं होने वाला है। अच्छा, हम स्कूबी को डॉक्टर के पास छोड़ कर चले गए थे, और फ्यू आवर्स के बाद हम आए हैं, तो अब स्कूबी की सर्जरी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम,
स्कूबी स्कूबी आज बीबी घर चले आज ओए मिला बेटा कह रहे मुझे बाहर निकालो स्कूबी कहाँ से निकलोगे तो अभी हम लोग स्कूबी को अब घर लेके जाने लगे हैं और हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है स्कूबी को न्यूट्रेट करवाने का बहुत अच्छे यहाँ पे ये हमें हमारे डॉक्टर हैं इधर उकाड़ा में डॉक्टर हिफाजत हैं सो अगर मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उकाड़ा से अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या उनको कोई अच्छा वेट चाहिए तो वो यहाँ पर आ सकते हैं इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो अभी हम स्कूबी को लेके घर जाते हैं और स्कूबी स्प्रे है उसके कलर 6 महीने के बाद स्प्रे किया हुआ है तो 6 महीने के बाद उतर जाएंगे तुम कलर क्या है कलर है स्प्रे नहीं होता मैं सो दैट्स इट फॉर टुडे नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे इंशाल्लाह मिलूंगी और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़